नवरात्र का आखिरी दिन, इस दिन कन्याओं की पूजा पूरे देश में की जाती है, क्योंकि माता के नौ रूपों की पूजा सभी लोग अलग अलग दिन करते हैं। इसके आखिरी दिन नौ कन्याओं की पूजा करके लोग माता की विदाई करते हैं। महानवमी के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजा की और पूरे प्रदेशवासियों को महानवमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी। नौ दिन की पूजा अर्चना के बाद आज माता का आखिरी दिन है। माता की विदाई के बाद कल विजयदशमी मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को शुभेच्छा दी। जो भी भोग प्रसाद लगा था वही पकवान आज उन बालिकाओं को यहाँ पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाया जा रहा है। आठ दिनों, नौ दिनों तक नवरात्रि के इस कार्यक्रम के उपरांत कल विजयादशमी का पर्व है। सत्य, न्याय और धर्म के पथ का अनुसरण करते हुए बड़ी से बड़ी ताकतों को कैसे परास्त किया जा सकता है। विजयादशमी का यह पर्व हम सबको सत्य के मार्ग का अनुसरण करने, धर्म के पथ पर सदैव निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सत्य और न्याय जहां होगा, धर्म जहां होगा, वहां विजय अवश्य होगी। विजयादशमी का यह पर्व भी हम सबको इस बारे में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं शारदीय नवरात्रि की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। शारदीय नवरात्रि के उपरांत कल विजयादशमी का पावन पर्व होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रावण पर विजय, अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण पर विजय के प्रतीक स्वरूप सभी सनातन धर्मावलंबी आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और कल विजयादशमी के इस पावन पर्व पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय के इस पावन पर्व को पूरे भारतवासी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित करेंगे। मैं इस अवसर पर विजयादशमी की भी हृदय से मंगलमय कामनाएं सभी प्रदेशवासियों के प्रति करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों को सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगा।